शब्दों की दुनिया बेहद अनोखी होती है। कुछ शब्द सुखद एहसास कराते हैं तो कुछ का अनुभव कड़वा होता है। कुछ अल्फाज के साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं तो कुछ हमें सोचने पर विवश करते हैं। इन सब के साथ साथ शब्दों के रंग भी होते हैं जो अपनी कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं। शब्दों की इसी रंग बिरंगी दुनिया को समेटे नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में अशोक खांट की एकल चित्रकला प्रदर्शनी शब्द रंग का आयोजन किया गया। मैं एक कवित्री और एक चित्रकार भी हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को जो मैंने रंगों में ना भर सकी और शब्दों के द्वारा जिसे मैंने लिखा, लेकिन जब मेरी मुलाकात अशोक जी से हुई तो उनको इन शब्दों में खूबसूरत रंग दिखाई दिए और उन्होंने ये उससे ही प्रेरणा लेकर और सोचा कि क्यों ना मैं इन शब्दों को रंग दूँ। हजारों ख्वाहिशें जो इस दिल में उठती हैं फिर ऊंचा उड़ने से जाने क्यों डरती हैं, ख्यालों के झूले जब ऊंचे पींग लगाते हैं, घबराहट बन हौला बन जान मेरी ले लेते हैं, दिल के दरवाजे पर जब दस्तक तेरी आती है, अजनबी वो आवाज़ मन को छू जाती है, इस मन को आकाश सा सूना कर जाती है, और फिर तन्हाइयों के मेले में जब तेरी याद सताती है, घबराहट बन हौला बन जान मेरी ले लेती है। ऐसे ही आ जाया करो, कभी मेरी सुना करो, कभी अपनी सुनाया करो। ये रंग मुझे बुलाते हैं, अपना परिचय करवाते हैं, समझ नहीं आते हैं, बहुत तड़पाते हैं, फिर अपना परिचय करवा के कहीं ओझल हो जाते हैं। मैं इनमें घुलना चाहूँ और घुलती ही जाऊँ, फिर भी अपने आप को कहीं अकेला खड़ी पाऊँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक एक शब्दों को इतनी खूबसूरत ढंग से रंगा कि मेरे सारे शब्द सजीव हो उठे। कविता के भाव को रंग और ब्रश के सहारे कैनवस पर साकार करना बेहद कठिन काम है, लेकिन गुजरात के अनुभवी कलाकार अशोक ने इस चुनौती को स्वीकार कर जो चित्राकृतियां बनाई हैं वो अनुपम बन गई हैं। सभी पेंटिंग में मैंने अलग अलग रंगों को दिखाया है, क्योंकि रंगों की बात थी तो उसमें कविता के जिस तरह के भाव थे उसमें जिस तरह से मानो आप कविता पढ़ रहे हो, इसी तरह से अगर आप पेंटिंग को देखोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि शायद ये पेंटिंग और कविता दोनों का एक अच्छा सा मेल है। कविता की तरह इनकी कृतियों में भी एक ढंग का रिदम देखने को मिलता है, एक ऐसी लयात्मकता जो कला प्रेमियों को बांधे रखती है और शायद यही संदेश देने की कोशिश करती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जिंदगी एक लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती रहती है और हमें भी निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कविताओं पर आधारित इस चित्र श्रृंखला में पेश की गई ज्यादातर पेंटिंग्स में किसी भी तरह का रिपीटिशन देखने को नहीं मिलता है। पैटर्न से लेकर टेक्सचर्स तक हर स्तर पर कुछ नया है, बेहतर है और इन सबसे भी आगे कहीं तो सार्थक है।